आज हमारा जो ये सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर टू है ये इसमें हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स वर्सेस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब ये हो गया कोई भी कंपाउंड अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल कौन सा यानी जो उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेंगे मालिक्यूल का ये नान सुपर इम्पोजेबल होंगे तो कैसे पता नान सुपर इम्पोजेबल बता रहे हैं उसका हम एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं जैसे आप यहाँ ले लीजिए C डबल बॉन्ड C ठीक है और ये ले लीजिए H ये ले लीजिए सी एस थ्री ये लीजिए H ये ले लीजिए सी एस थ्री इसका क्या नाम है ये आप इसलिए क्या ये ब्यूट टू इन है दूसरा नहीं है ये अरे भाई ये देख रहे हैं ये एक सिंगल पाई बांड है जैसे अगर हम ले एच सी ट्रिपल बांड सी एच तो क्या मतलब है ये एच सी सी ए सिंगल बांड है ये और वन पाई बांड अगर अब है तो जो सेकेंड पाई बांड है वो इस तरह से है इसको देखना चाहेंगे मॉडल में देख लीजिए तुरंत देखिए हालांकि लाइट बहुत कम है असम तो थोड़ा लेट गार्डनिंग किया हूँ एनीवे वे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको उसको मैं समझा सकूँ ध्यान से इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे देखिए जैसे अब ये इसको आप समझिए जैसे देखिए ये आप ज़्यादा ध्यान दिखिएगा जैसे भाई देखिए ये वाला देखिए ये यहाँ पर ऑरेंज है ये वाइट है चलो मान लो सी एच थ्री है ये एच है व्हाइट यानी कलरलेस सबसे छोटा मानते हैं तो अब जरा यहाँ पर देखें इन दोनों में ये किसको कर रहे थ्री, थ्री, अच्छा सेम लिख दिया ठीक है ये, ये दोनों आइडेंटिकल अरे भाई बड़ा छोटा नहीं तो क्या करेंगे इसमें इसमें हमको ये करना चाहिए चेंज इसमें ये चेंज ये करना था कि एक को एक को हटाकर हम एक को ऊपर कर देंगे ध्यान देखिएगा ये है CH3 ये है H अब यहां देखिए अब अलग हो गए तो अब बताएंगे जरा ये वाला स्ट्रक्चर किसको कर रहा है तो ये देखो ये देखिए CH3 अब, अब है CH3 भी लो ये और इसमें क्या दोनों क्षेत्र नीचे हैं रुकिए इसका भी स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो दिखाई पड़ जाए इमीडिएट बहुत ध्यान से इसको देखेंगे इसको वो ध्यान देखेंगे इसको रुकिएगा बहुत ध्यान से इसको देखा जाएगा देखिए तो अब यहाँ पर जरा देखने का प्रयास करें जरा से से रुकिए ये देखिए तो देखिए ये देखिए इसमें आपको दिखाई पड़ा हुआ ये ये दोनों सी एस थ्री नीचे हैं और एच ऊपर है और उसमें देख रहे हैं ये सी थ्री ऊपर नीचे है अब समझिए अब ये वाला देखिए ये आपको दिखाई पड़ा ये ज्यादा ध्यान दिखेगा यही बता में पाई बांड देखिए अगर ये हर्जोनटल है तो पाई क्लाउड ये ट्रिपल बांड नहीं ये सिग्मा बांड ये सिंगल पाई बांड है ये क्योंकि तैयार नहीं ये डबल दिखाई पड़ता है ठीके? ये ठीक है ये डबल दिखाई पड़ता है ये और ये आपको अच्छा अगर ऐसे इसको ऐसा कर देंगे अगर ये तो ये प्लेन हो गया ये मालिकल्स यानी एटम्स आगे वर्टिकल तो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लाउड देखिए हो गया हर्जोनटल जैसे हम आपको यहाँ पर ये वाला देखिए यहाँ दिखाए हुए हैं ये ये वाला अब यह सवाल ये कि जैसे ये ट्रिपल बांड था तो जरा इसको एक मिनट जस्ट देख लें ट्रिपल बांड का क्या मतलब है, इसको देख लीजिए ट्रिपल बांड कैसा होगा यह भी आप समझने का प्रयास करें तुरंत ही जल्दबाजी से देखिए हम दिखा रहे हैं ट्रिपल बांड, यानी कि एच एच कहाँ होगा ये आप देखने का प्रयास करें देखिये सभी सेल्फ मेड ये स्ट्रक्चर्स हैं सेल्फ मेड ये मॉडल्स हैं और मार्केट में आपने देखा छोटा मिलता भी है और अपने बनाने का अपना फायदा है दिखाई भी पड़ता है अब बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देखिए ये मैं आप बात कर रहा था ये बात करें ट्रिपल बांड ये देखिए ट्रिपल बाड क्या हो गया देखिए ये एच सी सी एच तो वन पाई बाड ये देखिए ये वाला देखिए वर्टिकल है और दूसरा पाई बाड देखिए ये हर्जेंटल है ब्लू वाला तो ये स्ट्रक्चर इस का है अब ये जितना इसमें क्लियर होगा आपको कदापि कभी भी उतना क्लियर इसमें नहीं होगा तो फायदा है थ्री डी का अब हम जरा बताते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं कैसे तो सुपर इम्पोजिबिलिटी उसकी क्राइटेरियन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं सुपर इम्पोजिबिलिटी क्राइटेरियन को हम लोग समझने जा रहे हैं दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपके पास में हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ले रही है ले रही है उसको डॉक्टर साहब राइट hmm. right. अब अब आपके सामने देखिए दोनों स्ट्रक्चर है बिल्कुल ध्यान देखिएगा तो ये देखिए इसमें ये देखिए ये दोनों देखिए नीचे हैं ऑरेंज आ रहे हैं यानी कि जो बल्कि ग्रुप है क्षेत्री शेत्री एक उधर है ठीक अब इसको आप इधर इधर ला रहे हैं देखिए इधर देखिए वो ऑरेंज में व्हाइट मिल रहा है कहाँ हो रहा है ये देखिए नहीं हो रहा है सुपर इम्पोज कैसे भी घुमा के देखें ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है अगर वो मिले तो फिर इधर नहीं मिल रहा है अच्छा मुझे बात यह है कि आप ये सोच सकते थे कि अगर हम इसको सोच सकते थे कि अगर हम इसको पूरा घुमा दें ध्यान ध्यान रखिएगा अगर हम इसको ध्यान दीखिएगा पूरा अगर घुमा दें जैसे ये देखिए इधर है ये दोनों बहुत ध्यान दिखिए शेत्र शेस्त्री राइट और अब हम यानी शेस्थ्री इज फॉर ऑरेंज और ऑरेंज फॉर शेस्त्री अब इसको पूरा अगर, अगर हम इधर घुमा दें तो आपको ऐसा ही दिखता होगा दिख रही है लेकिन ये जो देख रहे हैं कपड़ा देख रहे कपड़ा निचोड़ रही है ये दिख रहा है कपड़ा जो ट्विस्टिंग कर रही है ये आप कर ही नहीं सकते क्यों क्योंकि डबल बांड के एक क्रॉस रोटेशन अलाउड नहीं है क्यों जब ये डबल बांड इतना मजबूत बांड है इसको घुमाने के लिए कम से कम 250 किलो जूल 250 फिफ्टी किलो जूल पर मोल चाहिए और नॉर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर से मिल रहा है वो मुश्किल से 20-25 या किलो जूल पर मोल होता है तो यानी यानी अधिकतम पचास जूल तक पर मोल तक तो ये घूम ही नहीं सकता लेकिन वही अगर सिंगल बांड होता तो घूम जाता तो सिंगल बैंड के थ्रू घूमने जो अंतर आता है उसको बोलते हैं कर्फर्मर्स वो हम समझाएंगे बाद में बहरहाल हम आपको अभी सिखा रहे हैं कि वाट डू यू मीन बाई डिफरेंट यानी कि डिफरेंट कौन सा तो नाम सुपर इम्पोजिबल थ्रिट स्ट्रक्चर्स ऐसे ही एक और हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऐसे ही एक और हम लेते हैं स्ट्रक्चर जरा उसको देखिएगा तो इसको जरा हम यहाँ पर प्ले सस्पेंड कर दें यहाँ पर और एक मार्कर यहाँ रखा था मार्कर यहाँ कहाँ रखा था यहाँ आप पास है ये हाँ देखिए अब दूसरा ये है दूसरा इसमें हम यह आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई मान लीजिए कि हम यह ले लें सी थ्री एच सिक्स तो एक स्ट्रक्चर है सी एच टू सी एच टू सी एच टू इसका नाम जान गए होंगे क्या नाम है इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन ये साइक्लोप्रोपेन दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका C3H6 और दूसरा क्या है दूसरा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ देखेंगे दूसरा हो जाएगा ये सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू ये है प्रोपीन देखते रहे जरा अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट हैं क्योंकि क्योंकि ये क्या दिखा था आपने देवेर नान सुपर इम्पोजेबल यानी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर पाए लेकिन आई सी नेम सेम है तो तो क्या करेंगे तो स्ट्रक्चरल और स्ट्यूरियो में अंत समय रहा है आ, बता दें पहले क्या होता है सोमर से सेम कम्पोजिशन लेकिन अगर फंडामेंटल आई नेम सेम है तो जो स्ट्रक्चरल है थोड़ा तो ऊपर लिखिएगा जो स्ट्रक्चरल है उसमें क्या होगा कि जो फंडामेंटल आई नेम है ये डिफरेंट होगा और जो स्टूरी होगा उसमें फंडामेंटल आयु पी नेम ये क्या होगा बिल्कुल सेम होगा जैसे इधर देखिए ये दोनों के फॉर्मूला ये सी थ्री एस सिक्स है लेकिन एक है प्रोपीन एक है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन तो ये दोनों बिल्कुल जमीन समान का अंतर है और नाम भी अंतर है तो क्या हो गया दोनों ये दोनों पेयर क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे ये हो जाएंगे स्ट्रक्चरल और ये क्या है फंडामेंटल सेम है अब आगे पढ़ेंगे कि भाई देखिए ये एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल के जो पेराटी ग्रुप हैं अपोजिट हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ये देखेंगे दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो इसको हम बोलेंगे सिस लेकिन जो फंडामेंटल नेम है आईपीएस ये बिल्कुल सेम है क्लियर हो गया तो एकदम सिंपल डिफरेंस है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में कि पहले देखो आइसोमर है कि नहीं आइसोमर है अगर तो अगर नेम अगर सेम है और कंपाउंड डिफरेंट है कंपोजिशन सेम है आइसुमर और आयसे नेम सेम है <laughs> तो फिर हो जाएंगे स्टीरियो उस पर सिर्फ बांध का फर्क है मतलब जैसे इस बाढ़ को हटाएं इसको हटाएं और फिर उसको उल्टा करके जोड़ दें तो ये वहां पहुंच जाओगे और घुमा के पहुँच सकते थे और अलाउड नहीं बताया मैंने इसलिए डिफरेंट है ये राइट अच्छा ये देखेंगे जैसे एक और स्ट्रक्चर देख लें जैसे भाई मान लो हम यहां पर देखिए देखिएगा तो ये यह सिंस एसोमेरिजम आप देखा ये डबल बाड के थ्रू एक और तरीका बस आखिरी तो जैसे हम इसको देखिए ये साइक्लोप्रोपेन है अब इसी में जो बाड्स हैं इसे सपोज करो यहां पर अब हम एक ले, ले लें दूसरा और ये ले लें दूसरा और यानी ये हो गया सपोज करो ये क्लोरीन और क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो छोटे वाले हैं ब्लैक वाले ये सपोज करो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, है एच को तो अब इसका ये स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर इसको कंपेयर कर लें वो ध्यान दिखिएगा अब हम क्या करें अब यानी देखो ये क्लोरीन एक तो ऊपर ही है और एक यहाँ बगल में नीचे हो गया और और जो H है वो ज एच सच यहाँ पर H है ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग है अब सुनिए इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नाम हो जाएगा देखिए ये वन टू थे हो गया टू डाई क्लोरो, डाई क्लोरो करेक्ट? और ये भी क्या नाम है इसका भी वही नाम है वन टू डाइक्लोरो वन टू डाई क्लोरो और ये ये भी इसी का नाम लेकिन अब देखिए ये प्लेन के ऊपर और नीचे है ये क्लोरिन एटम तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस ये हो जाएगा ट्रांस और ये इसको देखेंगे दोनों सेम ऊपर है नीचे तो इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सिस वन टू क्लोरो अब इसी का मॉडल आप चाहें तो आप ये देख सकते होंगे ये हम बनाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं बहुत ध्यान से इसको देखिएगा जैसे इसमें देखिएगा ये वाइट वाला हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए वाइट वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए ये साइक्लोप्रोपेन आपको दिखाई पड़ रहा होगा और वाइट वाला पहले लगा लें पहले हर जगह पर लगा लें पहले वाइट वाला पहले रुकिए हाँ देना ही पड़ेगा रुकिए एक मिनट रुकिए अब हम इसमें वेट करें जो डिफरेंट कलर है डिफरेंट कलर वाला ऑरेंज वाला एक और ले लेते हैं ऑरेंज वाला एक यहाँ से ले ले रहे हैं देखिएगा इसको जा रही वेट करें वेट करें वेट करें वेट करें वेट करें अब ध्यान देखिए ये दिखाए पटा ये ये दिखाई पटा ये स्ट्रक्चर हो गया ये कौन सा हो गया यहाँ पर ये जो दोनों क्लोरीन देखिए ये ऊपर ही है देखिए ना ऑरेंज वाला ये तो ये हो गया सिस वन टू डाइट क्लोरो राइट जरा से उसको पकड़िए और साधानी से दोनों से और इसी का देखिए अब हम बनाते हैं ट्रांस वाला तो उसको देख लीजिए व्हाइट वाला डर दीजिएगा वाइट वाला दीजिएगा जरा रुकिए वाइट वाला दीजिएगा बता रहे हैं शायद कम पड़ जाएगा कोई बात नहीं एक हमको दीजिए वाइट वाला दीजिए और रुकिए उसमें हम लोग आरेंज लीजिए ना हाँ आरेंज वही दीजिए आरेंज दीजिए रुकी दे दीजिए हमको रुकिएगा एक ऑरेंज और दीजिए एक ऑरेंज और दे दीजिए हमको और एक वाइट नहीं कोई है तो उसमें निकाल दीजिए अंदर मॉडर्न करना पड़ेगा कोई बात उसमें देखा उसी में दीजिए उसमें दीजिए उसमें निकाल लेंगे उसमें दीजिए निकाल लेंगे दीजिए कोई बात नहीं अब क्लियरली देखिए अब यहाँ पर जा ध्यान देखिए अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए एक ऊपर है और एक इसमें नीचे है बिल्कुल ध्यान से देखने का प्रयास करें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ये ऊपर नीचे ये तो ये वाला ट्रांस हो गया तो किसी भी कीमत में ये वाला स्ट्रक्चर और किसी भी कीमत में आप देखेंगे ये वाला यहाँ देखिए वाइट वाला एक ट्रॉफी लगता है ना, लाना गंदा से यहाँ नीचे वाइट होगा इतना दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को तो अब क्लियर कर देखिए ये बिल्कुल कताबी सुपर इम्पोजेबल नहीं है अरे भाई ये देखो आरेंज से ऊपर अच्छे ये बगल भी है कैसे मिलाएँगे तो बिल्कुल ही सुपर इम्पोज कताब भी नहीं करेंगे देख रहे हैं ये यहाँ पर ये कहाँ सुपर इम्पोज हो पा रहा है तो यानी देखिए यहाँ पर देख रहे हैं वाइट ऑरेंज मिल जा रही है यानी सुपर इम्पोजिबिलिटी क्राइटेरियन है जिससे क्लियरली मालूम चलता है कि सेम डिफरेंट है ठीक है ये तो ये हमने को बताने का प्रयास किया कि स्टीरियो और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कैसे जाने तो आई यू पी एस उसका एक बात उपाय है इतना सुंदर इसका सिस्टम था ये ठीक है बाकी बहुत सारे अच्छा देखिए अब बाकी जो स्टीरियो में क्या क्या होगा कि आ, किसको बोलेंगे ऑप्टिकल किसको ज्योमेट्रिकल किसको कन्फार्मर्स साइक्लोहेजियन का फ्लिपिंग ये सब आपको सब सिखाएंगे ठीक ना ये यानी कि जो डिफरेंट हैं वो डिफ तो हमने आपको बताने प्रयास किया कि डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट क्या है और केमिकल कंपोजिशन सेम तो उसमें सेम क्या है ऐसा समझा है अगला हमारा जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं ये बताऊँगा आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के डिफरेंट टाइप्स वो थोड़ा कंप्रीहेंसिव होगा लेक्चर थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा उसको भी दो पार्ट में करने का प्रयास करेंगे आपने इसको देखा मुझे पूरा उम्मीद आपको समझ में आया होगा थैंक्स टू अल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच